आइए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 की जो हमारे देश में लड़ाई चल रही है, तो उसके लिए केंद्र सरकार या फिर अपनी राज्य सरकार को कैसे डोनेट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को इस कारण से बना रहा हूँ क्योंकि व्हाट्सएप में ऐसे बहुत सारे फर्जी मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं या सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें किसी का बैंक अकाउंट डला हुआ है या किसी की यूपीआई आईडी डली हुई है, क्यूआर कोड डला हुआ है। तो ये सब जो फर्जी व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, अगर आप उन डिटेल्स को फॉलो करके किसी को पैसे ट्रांसफ़र करेंगे ये सोच के कि आप गवर्नमेंट के पास पैसे भेज रहे हैं, ताकि जो हमारे देश में दुनिया भर की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे गरीब लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इस वायरस के कारण या लॉकडाउन के कारण, या फिर फ्रेंड्स जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की अब हमारे पास अगर कुछ कहीं पर शॉर्टेज है, तो आप ये सोच के अगर आप किसी को डोनेट कर रहे हैं कि ये जो आपका पैसा है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत हाई चांसेस है कि आपका पैसा उसके गवर्नमेंट के पास तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, ना ही आपकी केंद्र सरकार के पास जा रहा है, ना ही राज्य सरकार के पास जा रहा है। वो जा रहा है ऐसे किसी इंसान के पास जिसका कोई लेना देना नहीं है और वो बढ़िया आपके पैसे से इन्जॉय करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट में अगर कोई भी ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, तो आप उस पर बिलीव मत कीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको प्रोसीजर बताना चाहूँगा कि आप कैसे केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार को डोनेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोरोना वायरस की लड़ाई के खिलाफ़ कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो मैं आपको बताऊंगा सबसे अच्छा जो फंड है या रिलीफ फंड है या राहत कोष है, वो है प्रधानमंत्री राहत कोष, जिसको प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड भी कहा जाता है। तो आप गूगल में प्रधानमंत्री राहत कोष या फिर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ये सर्च कीजिए, और देखिए जो पहला रिजल्ट है ये है हमारे ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट। तो देखिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट आपको कैसे पता करनी है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट रहती है उसमें हमेशा gov.in उसके डोमेन पे या जो यूआरएल है उसका जो एड्रेस है उसमें हमेशा .gov.in होगा। तो जिस भी वेबसाइट में .gov.in लगा हुआ है, मतलब वो हमारी भारतीय सरकार, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की वेबसाइट है। तो देखिए, PMNRF यानी कि प्रधानमंत्री राहत कोष की मैं ऑफिशियल वेबसाइट खोलता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर डोनेट ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे अच्छा माध्यम है डोनेट करने का, वो है UPI के थ्रू। तो UPI के लिए आप भीम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर और कोई ऐप जो आप यूज़ करते हैं और आपको मालूम है प्रोसीजर कि कैसे UPI का QR कोड या फिर UPI का जो UPI ID है, जैसे यहाँ पर जो UPI ID दी हुई है, इसको एंटर करके आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा, तो आप सबसे बेस्ट तरीका है फटाक से एकदम प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे डोनेट करने का, वो है UPI। तो आप भीम ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर कोई भी आप UPI ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उस पे ये UPI ID या फिर VPA ID डाल दीजिए, या फिर ये QR कोड को स्कैन कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वो कैसे किया जाता है, पर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि कैसे करके आप अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है UPI का स्क्रीनशॉट। तो देखिए, मैंने जैसे ही QR कोड को स्कैन किया अपने भीम ऐप के थ्रू, तो ये पूरा इंटरफेस लोड हो गया। यहाँ पर मैंने एंटर किया है 500 रुपये कि मैं 500 रुपये डोनेट करना चाहता हूँ। ये जो अकाउंट आपको दिख रहा है, ये 5553, ये मेरा बैंक अकाउंट है। इस बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे और प्रधानमंत्री राहत कोष में जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर रिमार्क में मैंने लिख दिया है टू हेल्प विथ कोरोना वायरस आउटब्रेक, तो आपको जो भी लिखना है आप लिख दीजिए। और उसके बाद जैसे ही आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपको भीम ऐप जो है आपका UPI का जो पिन है 4 डिजिट का या 6 डिजिट का वो पूछेगा। और एक बार जब आप UPI ऐप मतलब भीम ऐप या फिर जो भी UPI ऐप है उसमें करेक्ट पिन एंटर कर देते हैं,
और जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से इमीडिएटली पैसे कट जाएंगे। और ये जो प्रधानमंत्री राहत कोष का ये जो एड्रेस है, PMNRF@SBI, इस पे या जो भी मतलब ऑफिशियल वेबसाइट में जो VPA या फिर UPI ID दी हुई है उसमें चले जाएगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर समझ लीजिए आप प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे ना देकर आप चाहते हैं कि आप अपनी खुद की राज्य की जो राहत कोष है उसमें पैसे देना चाहते हैं, या फिर समझ लीजिए आप दोनों में पैसा देना चाहते हैं, तो ये जो लिस्ट है राहत कोष की, हर स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का दिखाना चाहूँगा कि कैसे आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है उस पर आप पैसे भेज सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिंक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की। तो देखिए यहाँ पर भी QR कोड दिख रहा होगा आपको, इसको आप भीम ऐप या फिर कोई भी UPI ऐप जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे स्कैन कीजिए और अपना अमाउंट डालिए जो भी आपको डालना है, और पिन डालिए, और जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपके बैंक अकाउंट से कट के आपका जो पैसा है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में चले जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बोलूँगा कि सोशल नेटवर्किंग साइट या व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे, ट्विटर पे अनशंट जो भी मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं उसको फॉलो मत कीजिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे ही आके डोनेट कीजिए। उसमें जो भी डिटेल दी हुई है, QR कोड यहाँ जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ QR कोड है, तो इसको स्कैन कीजिए। ये नहीं कि आप कोई व्हाट्सएप या फेसबुक पे QR कोड आया है उसको स्कैन करके डोनेट कर रहे हैं। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट में QR कोड या फिर डोनेशन डिटेल्स दी है सिर्फ उसी को फॉलो कीजिए, तो आपका जो पैसा है वो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के पास जाएगा, और जो ये कोरोना वायरस की जो लड़ाई चल रही है उसमें हम सबको हमारी सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।